डियर फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे दोस्तों के सवाल थे कि जो फीडिंग टूल है वो किस तरह बनाया जाता है, उस पर आप थोड़ी वीडियो बना के हमें दिखाएं। तो उसी सिलसिले में ये वीडियो है। इसके अंदर मैं वो टूल बनाना सिखा रहा हूँ फीडिंग के लिए, और उसके अंदर जो टिप्स हैं और जो हिफाजत तदाबीर हैं उसके हवाले से भी। ये जो हम फीडिंग के लिए टूल यूज़ करते हैं वो बेसिकली कि इंजेक्शन होता है, एक सिरिंज होती है जो हम मार्केट में मेडिकल स्टोर से लेते हैं, जैसे ये मेरे पास अवेलेबल है। बहुत से लोग बड़ी सिरिंज भी यूज़ करते हैं, मैं ये छोटी वाली सिरिंज यूज़ करता हूँ। उसकी वजह ये है कि जब हम फीड कर रहे होते हैं, अगर ज़्यादा मिकदार में करेंगे तो उनकी सांस की नाली में एसोफेगस के नाम से एक नाली होती है सांस की, जो फेफड़ों में जाती है, उसके अंदर फीड जा सकती है। क्योंकि हम लगातार उसके अंदर पंप कर रहे होते हैं अपनी स्पीड के साथ, तो छोटे चीक्स होते हैं और वो बड़े होते हैं। मैं बड़ों के लिए भी और छोटों के लिए भी यही एक सिरिंज यूज़ करता हूँ, बड़ी वाली यूज़ नहीं करता। मैं ये सिर्फ यही देखता हूँ कि उनके सांस की नाली में कहीं फीड ना चली जाए और उनको कोई इशू ना बन जाए। तो उस उनकी एहतियात की खातिर ये मैं छोटी सिरिंज यूज़ करता हूँ। अगर मेरा एक मिनट से किसी बर्ड की लाइफ बच सकती है और उसको हम बग़ैर तकलीफ़ के खिला सकते हैं, तो बेहतर है कि हम छोटी सिरिंज यूज़ कर लें, बड़ी सिरिंज यूज़ ना करें। तो ये नॉर्मली हम जो सिरिंज है जो मार्केट में मेडिकल स्टोर से मिलती है वही मैं लेके आया हूँ। इसके ऊपर जो नीडल लगी होती है इसको हम उतार देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं इसको ऐसे टर्न करूँगा तो ये नीडल जो है वो इसमें से बाहर चली जाएगी और ये हमारा टूल आधा तैयार हो जाएगा। उसके बाद मार्केट में जो ड्रिप के लिए यूज़ की जाती है बरनौला, वो मैं लेके आया हूँ। बरनौला की तरह की जो ड्रिप को बरनौला में एडजस्ट करने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है वो ये वाली होती है। तो इसका जो पाइप है वो मैं इसके इंजेक्शन या सिरिंज के आगे लगाऊंगा, ये आप देख रहे हैं। तो इसको काटने के लिए आप मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप ये सीज़र होती है कैंची जिसको हम कहते हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेरे पास एक कतीरा है तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं पाइप को काटने के लिए। अब जो पाइप होना चाहिए वो छोटे साइज़ का होना चाहिए, जैसे ये मैं ड्रिप वाला यूज़ कर सकता हूँ। आप और भी यूज़ कर सकते हैं जो ज़्यादा सॉफ्ट भी होते हैं। इसके अलावा ड्रिप के अंदर एक और सॉफ्ट पाइप भी होता है, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल लचकदार रबर की तरह होता है। इससे उनके मुंह के अंदर जो है वो कभी कोई ज़ख़म नहीं बनेगा अगर आप ये वाला यूज़ करेंगे तो, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी ख़राब हो जाता है कुछ अर्सा इस्तेमाल करने के बाद, तो ये अकेला हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैं क्या करता होता हूँ, इसकी जगह पर मैं ये वाला पाइप इस्तेमाल करवाता हूँ और ये कर रहा हूँ। और इसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उसकी लंबाई कम होती है। ये पीले वाले पाइप की लंबाई जो है वो कम होती है, और ये लंबाई कम होने की वजह से बाज़ औक़ात पैरट्स के थ्रोट में भी फंस जाती है और हम उसको फिर निकाल नहीं सकते, उसके लिए बड़े मसाइल बन जाते हैं। इसके लिए मैं ये रिकमेंड नहीं करता, बल्कि ये वाला पाइप इस्तेमाल रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसकी बड़ी लेंथ हम काट सकते हैं और ये सॉफ्ट भी होता है और छोटे साइज़ में भी है। सेकंड, ये गले में भी नहीं फंसेगा। अगर यहाँ से उतर कर, इंजेक्शन से उतर कर गले में गिरता भी है तो हम इसकी लंबाई ज़्यादा होने की वजह से कुछ ना हिस्सा इसका बाहर होगा, जिसको हम खींच के बाहर निकाल लेंगे। तो उनकी फीडिंग के दौरान उनके थ्रोट में जो पाइप है, ट्यूब है, वो नहीं फंसेगी। अगर फंसेगी तो हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। ये बहुत बड़ा इशू है, आपने इसको बिल्कुल सामने रखना है, वरना आपके बर्ड की लाइफ जो है वो ख़तरे में होगी। तो इस पाइप को मैं इस कतीरे के साथ इतना बड़ा काट रहा हूँ जितनी कि मेरी फिंगर है, कम से कम इतना तो आप ज़रूर काटें कि ये हम बर्ड के थ्रोट के अंदर जब डालें तो कुछ हिस्सा उसके थ्रोट में चला जाए, बल्कि अंदर जाएगा तो सांस में भी उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी खुराक जो इसकी फीडिंग होगी या खुराक होगी वो सांस की नाली में भी नहीं जाए। इसकी लेंथ को थोड़ा बड़ा रखें, तो मैं फिंगर से भी थोड़ा सा ज़्यादा करूँगा इसको। ये देखें, इतने साइज़ में इसको काट रहा हूँ। इस तरह से जब आप काट लेंगे, कैंची से भी काट सकते हैं, किसी भी औजार से आपने इसको सीधा काटना है, ख़राब ना हो। और आप इसको क्या करेंगे, इस यहाँ पे सिरिंज लगी हुई थी उसको आपने उतारना है। यहाँ पर मैं इसको चढ़ा दूँ, इसको अच्छी तरह से चढ़ाना है कि ये बार बार उतरे नहीं। अगर बार बार उतरेगी तो इसका मुंह ख़राब हो जाएगा और फिर ये इस्तेमाल के काबिल नहीं बचेगी। ये लेंगे, इस तरह से हमने फीडिंग टूल जो है वो हमने तैयार कर लिया है। और इस पाइप जो सॉफ्ट भी है और लेंथ में भी ज़्यादा है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी फीडिंग के लिए सिरिंज जो है, फीडिंग टूल जिसको हम कहते हैं, जो मार्केट में भी बने बनाए भी मिल जाते हैं, लेकिन आप अपने हाथों से भी बना सकते हैं। ये सस्ता पड़ता है और ये ज़्यादा
कारामद है, आसानी से बनता है। बड़ी वाली सिरिंज भी आप यूज़ कर सकते हैं बड़े पैरट्स के लिए, जैसे ग्रे के चीक्स और मकाओ के चीक्स हो गए, इनके लिए। मैं रा के लिए भी यही यूज़ करता हूँ क्योंकि ये आसानी से इस्तेमाल होने वाला है, और छोटे साइज़ में हम थोड़ी थोड़ी मकदार में भी दे सकते हैं और बड़ी मकदार में भी। हमारे एक दो मिनट से एहतियात जो है वो ज़्यादा बेहतर है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। डियर फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई चीज़ लेके आएंगे और नई चीज़ सीखेंगे, और उस वक्त आपके सवालात के भी जवाब भी देंगे उनमें जो आप पूछते रहते हैं। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें वो रात 9 से 12 के दरमियान किसी भी वक्त आप मैसेज कर सकते हैं और बआसानी हम कॉल पर भी बात कर सकते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो सारा दिन मुझे मैसेज करके तंग भी करते हैं, तो डियर फ्रेंड्स इतना ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए, मेरे और भी काम बहुत हैं। ये बर्ड्स का मेरा कोई बिज़नेस नहीं है बल्कि मेरी शौक़ है। तो आप लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे रात 9 से 12 के दरमियान 3 घंटों के दरमियान व्हाट्सएप करें, इनबॉक्स करें, मैसेज करो, फेसबुक पे मैसेंजर पे भी मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मानी जी 0082@gmail.com पर मेल